संजय संजय भाई देखो ऐसा है, नहीं कहते हैं देखो संजय जी आप समझ गए वैसे तो मैं कहने का मतलब है कि वो एक नहीं है, वो ऐसे ऐसे कई अधिकारियों को, ये एक तो इसलिए क्योंकि आपको यहाँ जींद का पता है, मगर मैं पूरे हरियाणा से ला कोने कोने से लाया गया था जो भी विरोध। कहने का मतलब ये कि जो एक गरिमा होती है, ब्यूरोक्रेसी की भी गरिमा होती है और सरकार की भी गरिमा होती है, डेमोक्रेसी की गरिमा होती है, कहीं ना कहीं कोई इनका इनके लिए कोई गरिमा वरिमा कोई मायने नहीं रखती। ये प्रजातंत्र के जो नॉर्म्स हैं, जो गरिमाएं होनी चाहिए, उसमें विश्वास नहीं लगते। मगर मैं सभी अधिकारियों से यही कहना चाहता हूँ कि भाई उनको अपनी सीमाओं को ध्यान रख के काम करना चाहिए, सारी उम्र कोई एक सरकार नहीं रहती। इस चुनाव की जीत का हीरो आपको बताया जा रहा है, क्या कहना इस बारे में? नहीं, इस चुनाव के जीत बड़ौदा की जनता है, बड़ौदा की 36 बिरादरी की जनता है, जिन्होंने इतना साथ इतना आशीर्वाद दिया। जो पहले दिन आए थे, कई बिजीन से भी आप लोग आए थे, लोहान साहब खड़े हैं यहाँ, क्योंकि आते थे जो यूट्यूबर तो पहुँच जाते थे सारे, तो ये बोलते थे कि जी सारे मंत्री हैं, इतने मंत्री लड़ रहे हैं, बीजेपी भी लड़ रही है, जेजेपी भी लड़ रही है, दिल्ली में भी सरकार है, चंडीगढ़ की लड़ आप तो क्या मतलब आप अकेले कैसे, तो लोगों ने आशीर्वाद दिया। जो लोगों का इतना आशीर्वाद मिला तो इसकी पूरा श्रेय बड़ौदा की 36 बिरादरी की जनता को जाता है, जिन्होंने ऐसे समय जब 4 साल सरकार पड़ी हो और 4 साल सरकार को, और एक और मैं इसका श्रेय देना चाहता हूँ, इसका श्रेय बीजेपी की जो सरकार ने जो भट्टा बिठा दिया हरियाणा का, वो तो है ही है, मगर जींद का भी है इसमें ऐसा, क्योंकि जींद के उपचुनाव में जो बड़े बड़े वायदे किए गए थे, हम उदाहरण देते थे कि जाके जींद में जाओ, और सबको पता है सारा बड़ौदा जींद में आता जाता है, बिल्कुल साथ लगता है हल्का है, कि उपचुनाव जिस उपचुनाव ने इनकी सरकार दोबारा बनाई 2 साल के बाद, आज उस जींद के अंदर जो है इन्होंने एक नया काम करने कोई विकास कार्यों के नाम पर, 2 साल के बाद उस जींद में जब बारिश हुई तो गलियों में सड़कों में पानी बहता पाया, मतलब विकास की गंगा की बजाय जो है अपना सड़कों में पानी नदियाँ बहती पाई। तो हम जींद का उदाहरण देते थे कि भाई पहले तो बीजेपी का जींद का वो जो है उधारी पूरी करे, ये जिसने सरकार बना दी जिस उपचुनाव ने, अब तो अगले आगे 2 साल भी सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, तो जो है इसमें तो भविष्यवाणी ना आप कर सकते ना मैं कर सकता, वो तो सवाल ही पूछ रहे हैं। नहीं, जींद का भी एक जींद के दा बिल्कुल सही मैं कह रहा हूँ, जींद की दुर्दशा भी एक कारण है कि बड़ौदा की जनता ने जींद की दुर्दशा देख के कहा कि जो आज लोक लुभाव ने सारा कैबिनेट आके मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम सीएम सारी बातें जो कह रहे हैं, ये बात सही नहीं हो सकती, क्योंकि जींद ने जिन्हें जिता के सरकार बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा उस टाइम, आपको पता है कि उससे पहले जो हवा थी और उस उपचुनाव के बाद जो हवा पलटी, तो बड़ा जब जींद के नहीं कुछ करा जींद में, तो फिर आगे बड़ौदा का नंबर तो पता है आएगा, उससे पहले तो सरकार ही चली जाएगी। ये तो